लिए बनकर तैयार है हनी चिली पटेटो। आप भी मेरी स्टाइल से हनी चिली पटेटो बनाइए और बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप मेरी स्टाइल से बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े सब रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे। मेरे चैनल इलायची किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इलायची किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हनी चिली पटेटो। उसके लिए चाहिए पटेटो, तो मैंने छोटे वाले बेबी पटेटो भी लिए हैं और ये बड़ा वाला पटेटो भी लिया। इनको छीर कर और धोकर मैंने रख रखे हैं, इनके वेजेस काट के रखे हैं। अब हम इनको बॉईल कर, ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। सिर्फ इनको 5 मिनट के लिए हमको बॉईल करना है। दोनों टाइप के पटेटो डाल सकते हैं, इनको उबालना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए एक हल्का सा उबाल आने देना है। ये पोटैटो बॉईल हो गए हैं, अब हम इनको छान लेते हैं। मैंने गैस ऑफ कर दिया है, इनको हम छानते हैं। ये मैंने छान के ले लिए हैं। अब इनमें हम डालते हैं कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे ताकि इन पे एक हल्का सा कोट आ जाए और जब हम इनको तलेंगे तो अच्छा हल्का सा क्रंच भी रहेगा। इसको हाथ से नहीं, ऐसे मिक्स करेंगे। देखिए पूरी आलू पे अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है, हल्की हल्की सी। अब हम इनके लिए एक पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के लिए, इसके लिए एक हल्का सा हम घोल बनाते हैं। उसके लिए 2-3 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। दो चम्मच मैदा, आप मैदा भी ले सकते हैं पूरा, और 2 चम्मच चावल का आटा। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदा और कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, हल्का सा, और इसका एक हल्का सा बैटर जैसा तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर ना गाढ़ा होना चाहिए ना ही पतला होना चाहिए, बस इस पर हल्का सा कोट हो जाए। चलिए बैटर बनकर तैयार है। मैंने इसमें नमक डाला है और काली मिर्ची डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें अभी हाथ काली मिर्ची डाली है। बैटर ऐसा ऐसा होना चाहिए, आपके आलू के हिसाब से आप ले बैटर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप मैदा और चावल के आटे की। अब हम इनको डिप करके फ्राई करेंगे। एक एक आलू मैंने कढ़ाई पहले से ही गर्म करने रख दी है। आप एक एक करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हमको इनको हाफ ही फ्राई करना है, आधा ही फ्राई करना है, पूरा फ्राई नहीं करेंगे हम अभी। इसको हम एक इसमें, चलिए तला गए हैं, हमको इनको आधे ही तलना है। अब हम इनको निकाल लेते हैं, इनका पूरा ऑयल निकल जाएगा इसमें, छन्नी में हम निकाल लेंगे। तो चलिए ये अब हम वापस से डबल फ्राई करते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इनको हम वापस से होने तक चलेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है जब तक वो पटेटो इधर उधर डीप फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम इनकी इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ऑयल रखा है मैंने, ऑयल गर्म हो जाता है। इसमें हम अच्छा गार्लिक डालेंगे और यदि हरी मिर्ची या लाल मिर्ची आप जैसे भी खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। ऑयल हो गया है गरम, गार्लिक अच्छे उसमें डालें क्वांटिटी में।
गार्लिक इसमें अच्छा लगता है। फ्लेम को स्लो ही रहने दे, मैंने रेड चिली डाली है, ग्रीन चिली नहीं डाली। वन टीस्पून चिली है ये भी डाल दें, ये मेरी सिकी हुई है पहले से ही। इसको अच्छी तरह से होने दें। ये हो गए हैं पोटैटो भी अच्छे फ्राई, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अच्छा इनमें क्रंच आ गया है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। ऐसे निकालें कि एक्सेस ऑयल सब इसमें निकल जाए, या आप टॉवल किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं। ये गार्लिक भी अच्छी तरह से हो गई है हल्की सी पिंक। अब अभी इसमें हम टमाटो केचप डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा चिली सॉस डालते हैं, आप चिली जैसे भी खाते हो उस हिसाब से सॉस डालिए, कम ज़्यादा जैसे भी बच्चे पसंद करते हैं आपके घर में खाते हैं उस हिसाब से डालिए। थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि हमने सोया सॉस भी डालना है और चिली सॉस और टोमेटो सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा सा देख के ही डालें। थोड़ा सा कलर लाने के लिए रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून। अभी ये मसाला जले नहीं इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाए और जले भी नहीं। फ्लेम को स्लो रखें। चलिए मसाला भी अच्छी तरह से भून गया है, अब इसमें हम 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। यदि आप सोया सॉस खाते हैं तो डालिए, या स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको भी फ्लेम पे बिल्कुल लो फ्लेम पे होने दें 2 मिनट के लिए, जब तक हम इधर अरारोट का एक घोल बना लेते हैं। ये मैंने 1/2 टीस्पून अरारोट लिया है, इसमें हम पानी कॉर्नफ्लोर अरारोट कुछ भी ले सकते हैं आप, पानी में इसको अच्छी तरह से घोल बना लेते हैं। इससे इसका ग्रेज भी आता है और दिखने में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेंगे आपके हनी चिली पोटैटो। इसमें ये घोल डालते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, हिलाते रहेंगे, इससे बहुत अच्छी शाइन आएगी, ग्लेज आएगा इससे। ये डालना बहुत जरूरी है, कंपलसरी, क्योंकि जो आंखों को अच्छा लगता है वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा और डालेंगे, इसको हम अच्छी तरह से होने देंगे। देखिए कितना बढ़िया सॉस बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी भी डालेंगे, बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से 1/4 टीस्पून चीनी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर। अब हरी मिर्ची लाल मिर्ची ही स्किप कर सकते हैं, पर काली मिर्ची और रेड चिली पाउडर जरूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम ये पोटैटो डाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया ग्लेस आया है और दिखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हनी, यदि आप लोग हनी खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते, पर हनी डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा
तैयार है हनी चिली पटेटो। अब हम प्लेटिंग करते हैं। तैयार है हनी चिली पटेटो। आप भी मेरी स्टाइल से हनी चिली पटेटो बनाइए और बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप मेरी स्टाइल से बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े सब रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे। और आप बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल इलायची किचन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।